कहते हैं एक पिता से ज्यादा प्यार एक बेटी को कोई भी नहीं कर सकता। बेटियां पिता की जान होती हैं, लेकिन जब वही पिता अपनी ही मासूम बेटियों की जान ले ले तो इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक हैवान पिता ने अपनी दो मासूम बेटियों की गला घोटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस इस आरोपी पिता की तलाश कर रही है। ये मामला डोई वाले के केशवपुरी बस्ती का है, जहां आरोपी जितेंद्र ने अपनी दो मासूम बेटियों का गला घोटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सरफिरा पिता दूसरी शादी करने की फिराक में था, लेकिन अपनी बच्चियों के कारण उसे ये असंभव सा लग रहा था। जानकारी के मुताबिक उसकी पत्नी अपने आशिक के साथ 2 महीने पहले ही भाग गई थी। तब से वो और उसकी माँ दोनों बच्चियों का ख्याल रख रहे थे। सूत्रों के मुताबिक पिता शराब पीकर घर लौटा था और उसी वक्त बच्चियों को अकेला पाकर उसने वारदात को अंजाम दिया और वो फरार हो गया। आरोपी की मां जब घटना स्थल पर पहुंची तो बच्चों को देख हैरान हो गई। वो बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां बच्चियों को मृतक घोषित कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस घटना स्थल का मुआयना कर हत्यारे की तलाश में जुट गई। शाम करीब 8 बजे सूचना मिली है कि केशवपुरी बस्ती में 2 बच्चों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि बच्चों को गला दबा के शायद हत्या की है। बाद में जो बच्चों की नानी है उनके द्वारा एक रिटर्न में तहरीर दी गई है कि उनके दामाद द्वारा जितेंद्र बच्चों का जो पिता है उसके द्वारा दोनों बच्चों की निर्मम हत्या की और खुद भाग गया है। तो उसकी तहरीर पर धारा 302-201 IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभी जितेंद्र की तलाश की जा रही टीमें रवाना की गई है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।